पोथरी मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी दीपा तुम ही हो जियाला तुम हो बाती तुम ही हो आत्मा भी तुम हो आवाज तुम हो संगीत तुम हो आवाज तुम हो संगीत तुम हो ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस बलिदान चढ़ाते हैं और विशेष रूप से प्रभु के शिष्य चरणों में हमारे सभी निवेदनों को प्रार्थनाओं को मन्नतों को प्रभु के सामने रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। उचित समय है प्रभु के प्रेम को महसूस करने का प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में लाने का और यह समय हम प्रभु के साथ में बिताएं क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ में है जब प्रभु का आत्मा हम में कार्य करता है तो हम निरंतर उस प्रभु के सानिध्य में कार्य करते हुए उसके योग्य बन जाते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों हमारी प्रार्थनाओं को निवेदनों को हम प्रभु के सामने रखें क्योंकि प्रभु हमें सिखाता है कि हमें प्रेम करना है अपने दुश्मनों से अपने बैरियों से जो हमसे घृणा करते हैं जो हम पर दोष लगाते हैं। प्रभु से विशेष प्रार्थना करें अपने हृदय को मन को समर्पित करते हुए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें अपनी आत्मा को प्रभु के सामने समर्पित करें अपने शरीर को प्रभु के सामने समर्पित करें अपनी सोच को अपने विचारों को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर हमारे मन को शुद्ध कर हमारी आत्मा को शुद्ध कर हमारे शरीर को शुद्ध कर। प्रभु से विशेष प्रार्थना करें हमारे पापों के लिए हमारी कमजोरियों के लिए हमारे अपराधों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे प्रभु से दया याचना करें कि हे प्रभु मुझ पर दया कर मेरे परिवार पर दया कर मेरे भाई बहनों पर दया कर मेरे परिवार के हर एक सदस्यों पर दया कर। प्रभु की दया के लिए अपने आप को तैयार करें तथा प्रभु से तथा एक दूसरे से हम क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे क्रिस्त दया कर हे क्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से
तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6 पद संख्याएं 1-10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुध ली है, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे, हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं, हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें जानते हैं, हम मरने मरने को है किंतु हम जीवित हैं, हम मार खाते रहते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता, हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं, हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है, उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जय घोष, अलेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा
अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से लेकर 42 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करूं। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें विशेष शिक्षा देते हैं। अगर उस शिक्षा पर चलते हुए हम जीवन बिताते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जीवन भक्तिमय हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में समझना है तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलते हुए हमें प्रभु के मार्ग को समझना है, प्रभु के रास्ते को समझना है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, शिष्यों के जीवन में भी बहुत सारे दुख तकलीफें पीड़ाएं सब कुछ आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि वे प्रभु के द्वारा संचालित हैं। उन्होंने प्रभु की आत्मा को ग्रहण किया था, उन्होंने प्रभु को स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा था। तो इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु के शिष्य विशेष कृपा और आशीष को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जब वे प्रभु के वचनों को सुनाते हैं तो बहुत ही प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। हम विशेष रूप से प्रेरित जब पढ़ते हैं तो विशेष कृपा और आशीष शिष्यों के जीवन में हम पाते हैं, संत पौलुस के जीवन में हम पाते हैं कि किस प्रकार से दुख और कष्ट झेलने के बावजूद वे प्रभु के मार्ग से नहीं हटे। उसी तरह प्रभु आज हम सभी को एक नई शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। हम रास्ते चलते कभी कुछ हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम उसी दुष्ट का सामना करने लग जाते हैं तो हम उसके बराबर या उससे भी बढ़कर दुष्ट बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं दुष्ट का सामना नहीं करो। हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि 5 रुपए के लिए सब्जी में बढ़ोतरी की गई, लेकिन वह व्यक्ति आया जब सब्जी खरीदने, उसे 10 रुपए बताया गया कि सब्जी 10 रुपए है, तो वह व्यक्ति बहस करने लग गया। उस बहस में धीरे धीरे लड़ाई हो गई और दोनों एक दूसरे को मारने लग गए, और उसी के साथ साथ एक दूसरे पर हमला करने पर एक की जान चली गई। तो इसी तरह प्रभु हमसे कहते हैं कि दुष्ट का सामना नहीं करो। हम आजकल जब देखते हैं कि छोटे छोटे मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं दुष्ट का सामना नहीं करो। क्योंकि जब हम कोई हमसे अपशब्द कहता है, अगर हम उसे अपशब्द से ही समझाएंगे तो
तो हम उसके सामने एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं जो बुद्धिमान है, जो प्रभु के राह पर चलता है, वह दुष्ट का सामना नहीं करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। हम देखते हैं कि हमारा उपहास बहुत होता है, हम जहां प्रार्थना करते हैं वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और हम पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन हम नहीं जाते किसी के वहां पर जब वहां पर प्रार्थनाएं हो रही हो। हम किसी के घर में घुसकर नहीं जाते कि आप यह क्यों कर रहे हो। जब प्रभु की प्रार्थना की जाती है तो प्रभु विशेष रूप से हमें यही कहते हैं, जिस प्रकार से आज प्रभु हमें समझाते हैं कि दुष्ट का सामना नहीं करो। हमने किसी भी क्रिश्चियों को उनके जीवन में जब अत्याचार होता है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि वे उनका सामना करने के लिए बाहर निकले हों, लेकिन वे हमेशा शांति के लिए, हम सभी शांति के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, अपने लिए और प्रभु के विशेष प्रेम को फैलाने के लिए हम बाहर निकलते हैं। जी हाँ, क्रिस्प प्रिय भाई और बहनों, जब हम पूरे संसार भर में और विशेष रूप से हमारे देश में जब चारों तरफ देखते हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी क्रिस्त विशेष रूप से प्रार्थना के लिए जाने जाते हैं, शांति के लिए जाने जाते हैं, प्रभु येसु के प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रेम और आशीष हम सभी पर रहें, प्रभु की चंगाई भरा हाथ हम सभी पर रहें। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें और हमारे पास जो कुछ है वह सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। जब हमसे कोई कुर्ता मांगे तो प्रभु कहते हैं उसे अपनी चादर भी दे दो, क्योंकि प्रभु हमारा रखवाला है, प्रभु हमारे साथ में चलता है, वह हमारा चरवाहा है। इसलिए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें आज के दिन और आने वाले समय में। प्रभु हम सभी को आशीष दे, जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमसे बैर करते हैं, जो हमसे विशेष रूप से कई तरह से भिन्न बातों से जुदा हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु के श्री चरणों में उन सभी को चढ़ाएं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु की इस पवित्र वेदी पर रखें, भेंट के साथ हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन में सोचे, याद करें जो लोग हमसे बैर करते हैं, उन सभी को भी प्रभु के पवित्र वेदी पर लाते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना करें। अभिनंदन शतवार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतवार तेरा पूजन बारंबार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शतवार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतवार तेरा पूजन बारंबार। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। आपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दी। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, या तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करती, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जीवन के ईश्वर का स्तुतिगान, हम सब मिलकर जीवन के ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु
तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में ते प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हें के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रभु ईश्वर के सामने हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखें, उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं।
धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरे कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सफल रहेगा, सफल रहेगा।